फैनगर स्थित शहर कोतवाली क्षेत्र की मुस्तफा गली में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवजात बच्ची को कार सवार उसकी मां किसी दूसरे के मकान के बाहर छोड़कर फरार हो गई। बच्चे के रोने की आवाज जब मोहल्ले वासियों के कानों में पड़ी तो वहां बच्ची को देखने के लिए जमावड़ा लग गया। मोहल्ले वासियों ने तत्काल इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और जांच शुरू कर दी है। वहीं गली के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एंट्रो कार में सवार एक महिला कार के शीशे से कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची को एक मकान के बाहर छोड़कर फरार हो जाती है। वहीं इस बारे में प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद सुजा इलाही ने बताया कि कोई शख्स इस बच्ची को यहां छोड़कर चला गया है और वो 2-3 दिन की बच्ची है। पुलिस नवजात बच्ची को जिला अस्पताल लेकर गई। अभी पुलिस जांच में जुटी है। जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा बच्ची कौन है और कहां की है। जब से बच्ची यहां आई है हर कोई इसे अपनाने के लिए तैयार है। तो वहीं मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बच्ची का इलाज चल रहा है, अभी बच्ची की हालत थोड़ी खराब है। मुजफ्फरनगर से न्यूज 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। इसको संज्ञान में थी छोड़ दिया था और वो हमने संज्ञान में आया, पुलिस को ले आई थी हमारे यहाँ और हमारे यहाँ भर्ती बच्ची को। थोड़ी हालत गंभीर जरूर है लेकिन वो आशा करते हैं कि वो ठीक हो जाए, उसका इलाज चल रहा है और वो SNC में है। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।